कृष्णा, आप सभी को श्री कृष्ण जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको श्री कृष्ण जन्म उत्सव की कथा सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले मथुरा में एक कंस नाम का राजा था। अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करवाने के बाद जब वह उन्हें विदा कर रहा था तो आसमान में से एक भविष्यवाणी प्रकट हुई। उस वाणी ने कहा, हे दुष्ट कंस, देवकी और वसुदेव का आठवां पुत्र तेरे अंत्यचार का अंत करेगा। कंस ने क्रोध में नए विवाहित जोड़े को कैद कर लिया। देवकी का पहला पुत्र हुआ, कंस ने उसे मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ, कंस ने उसे मार दिया। ऐसे करते करते कंस ने पूरे 7 पुत्र मार दिए। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी की आवाज फिर से आई। उस वाणी ने कहा कि इस पुत्र को तुम यमुना नदी के द्वारा गोकुल ले जाओ और वहां अपने मित्र नंद और यशोदा की जन्मी संतान को यहाँ ले आओ। वसुदेव ने देखा उनके हाथों की अकड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे पहरेदार गहरी नींद में खो गए। वासुदेव ने जब दुफानी नदी को पार किया तो पानी उनके कंधों से ऊपर नहीं उठा। जब उन्हें परेशानी हुई तो शेष नाग ने छतरी बन बच्चे को बारिश से भीगने से बचाया। उन्हें जब ये देखकर समझ आ रहा था कि उनका पुत्र कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक दिव्य मनुष्य है, जब वह नंद के घर अपने पुत्र को रख के यशोदा के घर गए और वहां पे उसकी पुत्री को लेकर कारागार आ गए। जब कंस वहां पहुंचा और पुत्री को नुकसान पहुंचाने वाला था, पुत्री ने देवी का रूप धारण कर लिया और कहा, हे दुष्ट कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, वो अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। जब नंद के घर श्री कृष्ण का जन्म हुआ, भाद्र मास के बुधवार को श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से जाना जाता है। चैंट हरे कृष्णा, बी हैप्पी। हरे कृष्णा, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हे जुग जुग जीवे रि यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रि यशोदा मैया तेरो ललना।